हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इन दिस वीडियो लेक्चर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट ब्लड ग्रुप्स। आप सभी को पता है कि आजकल हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम स्टूडेंट्स, और हम लोग इस लेक्चर में पूरा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी ब्लड ग्रुप के बारे में, वॉट इज ब्लड ग्रुप वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अगर हम लोग स्टूडेंट्स ब्लड ग्रुप की बात करें तो हमारे ह्यूमन बीइंग्स में फोर टाइप्स के ब्लड ग्रुप्स हमें मिलते हैं, और अगर हम लोग स्पेसिफिकली उनका नेम लिख दें तो हमारे पास ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। फोर टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप वी हैव। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि जो ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी करी थी वो साइंटिस्ट का नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ओके स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग का बर्थ होता है तो हमारा एक स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप होता है, और जो ब्लड ग्रुप है उसको जेनेटिकली हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो ब्लड ग्रुप की हमारी बॉडी में बहुत ही इम्पोर्टेंस है एट द टाइम ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जब कभी भी एक बॉडी दूसरे बॉडी को ब्लड डोनेट करती है, दैट इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस टाइम पे आपका ब्लड ग्रुप मैच जरूर किया जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जो ट्रांसफर ऑफ ब्लड है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, इट इज नोन एज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत जरूरी है। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन में भी नीडेड एट द टाइम ऑफ सर्जरी, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, जब अचानक से ब्लड का लॉस हो जाता है स्टूडेंट्स, उस केस में हमें ब्लड ग्रुप की चेकिंग करानी पड़ती है ताकि हम ब्लड को डोनेट कर सके। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके बेसिक कंसेप्ट से। अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, तो ब्लड ग्रुप को जानने के लिए हमारे पास कुछ चीजें जैसे कि डोनर, नंबर टू है रेसिपिएंट। डोनर मतलब जो देगा, डोनर को हम लोग बोलते हैं दाता। ओके, और रेसिपिएंट मींस व्हिच इज हु इज गोइंग टू रिसीव और टेक द ब्लड। द पर्सन हु इज गोइंग टू डोनेट इज कॉल्ड डोनर, द पर्सन हु इज गोइंग टू रिसीव और टेक द ब्लड इट इज ही और शी विल कॉल्ड बी रेसिपिएंट। एंड व्हाट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, आई टोल्ड यू इट रिफर्स टू द ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम हेल्दी पर्सन टू अनदर इंडिविजुअल। तो हमने आपको बताया स्टूडेंट्स कि हमारे पास चार तरीके के ब्लड ग्रुप हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ओ। ये आपको याद रखना है स्टूडेंट्स ये पॉइंट, और डिस्कवरी करी थी लैंडस्टीनर। चलिए हम लोग आगे के कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। आगे का कॉन्सेप्ट हमारा स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके का है कि हमें समझना होगा एंटीजेंस के बारे में और एंटीबॉडी के बारे में। एंटीजन, एंटीबॉडी, कौन से ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन होते हैं, कौन सी एंटीबॉडी होती है और कौन सा उसका ब्लड ग्रुप होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, जो ब्लड ग्रुप का टाइप होता है वही उसका एंटीजन का टाइप होगा। जैसे सपोज ब्लड ग्रुप किसी पर्सन का ए है तो उसकी बॉडी में एंटीजन ए होगा और उसमें एंटीबॉडी स्मॉल बी। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, और जो एंटीबॉडी हो जाएगी स्टूडेंट्स स्मॉल ए। अगर ब्लड ग्रुप हमारा ए बी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, जो हमारा एंटीजन प्रेजेंट है वो ए और बी दोनों होगा और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, तो हम लोग नल लिख सकते हैं। और अगर हमारा ब्लड ग्रुप ओ है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे एंटीजन में लिख सकते हैं नन, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, और एंटीबॉडी की अगर बात करें तो ए और बी हो जाएगा। चार तरीके के ब्लड ग्रुप है हमारे पास, ए बी, ए बी और ओ, जो कि बेस्ड है ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी। इसलिए जिस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए होगा उसके पास एंटीजन कौन सा होगा स्टूडेंट्स, एंटीजन ए। सो यू कैन मार्क हियर कि जितनी भी चीजें हैं, हम लोग इसको दूसरे कलर से हाईलाइट कर देते हैं, जो ये हमारा है एंटीजन डिपेंड करेगा ब्लड ग्रुप को डिसाइड करेगा, एंटीजन विल डायरेक्टली रिलेट ब्लड ग्रुप। तो यू कैन लर्न दीज टू पॉइंट्स। ओके, अगर हमारे किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन बी होगा, अगर दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा, अगर कोई भी नहीं तो ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। अगली बात स्टूडेंट्स हमें ये जानना जरूरी है कि ब्लड ग्रुप की मैचिंग क्यों की जाती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के पहले। तो इसलिए ऐसा इम्पोर्टेंट है ब्लड ग्रुप को मैच करना, क्योंकि जो ब्लड डोनर का होगा वो रेसिपिएंट से मैच करना बहुत जरूरी है। डोनर सपोज यहाँ पे मैं कोई एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, सपोज कोई एक पर्सन है ए, ओके, कोई पर्सन यहाँ पे ए है और वो बी पर्सन को ब्लड अपना डोनेट करना चाह रहा है,
तो ये जरूरी है कि दोनों पर्सन का ब्लड ग्रुप मैच करे। सपोज यहाँ पे ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका ब्लड ग्रुप भी क्या होगा, ए बी होना चाहिए, तभी यहाँ पे प्रॉपर मैचिंग होगी। डोनर और रेसिपिएंट, सपोज मैंने इसको ए को डोनर माना था और बी को मैंने मान लिया रेसिपिएंट, तो दोनों की मैचिंग होनी स्टूडेंट्स बहुत जरूरी है। आरबीसी के जो भी सेल्स हैं तभी क्लंप और एग्लूटिनेट कर पाएंगे। क्या होगा कि अगर हमारा डोनर का ब्लड रेसिपिएंट के ब्लड से मैच नहीं कर पाता, इन केस ये मैचिंग ना हो पाई, तो जो रेसिपिएंट है वो एग्लूटिनेट कर जाएगा, जो रेसिपिएंट है जो ले रहा है उसका ब्लड, और उसके लिए वो फैटल हो सकता है। फैटल मीन्स इसकी डेथ भी हो सकती है। आप इस पॉइंट को मार्क करें, इट मे बी फैटल। ओके, अगले पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डोनर्स ब्लड कंटेन ओनली दोज एंटीजन हुज करस्पोंडिंग एंटीबॉडीज आर नॉट प्रेजेंट इन द रेसिपिएंट ब्लड। जो रेसिपिएंट का ब्लड है उसकी बॉडी में वो एंटीबॉडीज नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। तो मैंने आपको समराइज वे में वो चार्ट भी बना दिया है कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो आपको ये पॉइंट स्टूडेंट याद रखना है कि जो बेसिकली एंटीजन है वही उस पर्सन का ब्लड ग्रुप डिसाइड करेगा। अब बात आती है कि कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं जो यूनिवर्सल डोनर कहलाते हैं, कौन से हैं जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ए ब्लड ग्रुप वाला पर्सन ए को अपना ब्लड दे सकता है और ए बी को दे सकता है, क्योंकि ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब वो सभी से ब्लड रिसीव कर सकता है। ओके, और बी ब्लड ग्रुप वाला सेम बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है। ओ ब्लड ग्रुप वाला यूनिवर्सल डोनर है, ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ओ को तो देगा ही देगा और ए बी को। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ओ इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, और इस पॉइंट को आप मार्क भी कर लें। यूनिवर्सल रेसिपिएंट ए बी है और ओ इज यूनिवर्सल डोनर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू रिमेम्बर फॉर योर एग्जाम्स। सो आई होप स्टूडेंट दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज। I hope we will meet soon. Thank you, students.